एक सवाल जो था जो मुझे स्पेशली कहा गया कि एक डॉक्टर और एक मुसलमान डॉक्टर में क्या फ़र्क है, यही वो एक चीज़ है जो हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का। पूरी दुनिया के लोग ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट एक्सपर्ट बन जाएं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन हमारे नज़दीक मरीज़ के इलाज के लिए ट्रीटमेंट से अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो है शिफा का कॉन्सेप्ट। शिफा इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट। एक आदमी को मलेरिया हुआ, उस मलेरिया की उसने दवाइयाँ दी, ये उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ठीक होगा कि नहीं होगा इसका नाम शिफा है। और वो जो बिलीवर है, वो जो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को रखता है, उसे इस बात का पता है कि मेरे जिम्मे बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी परफॉर्म करना है, लेकिन जो उसके नतीजे में शफा होगी वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मेरे खुदा ताला के इख्तियार, मेरे मालिक के इख्तियार के अंदर है। ये वो एक पॉइंट है जो एक बिलीवर, यानी कि एक मुसलमान और बिलीवर, इसमें मैं बाकी लोगों को भी शामिल करता हूँ, एक बिलीवर डॉक्टर और नॉन बिलीवर डॉक्टर में फ़र्क है कि शफा जो है वो अल्लाह के इख्तियार। जब आदमी ये सोचकर इलाज करता है तो उसके अंदर एक हम्बलनेस पैदा होती है, उसके अंदर आजजी पैदा होती है, उसके अंदर गुरूर पैदा नहीं होता, उसके अंदर एक इल्तजा पैदा होती है। वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर लूँगा तो शफा तो अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा मैं जो कुछ करता हूँ ये करके मैं अपने अल्लाह के सामने पेश करता हूँ और अल्लाह ताला इसको कबूल करके उसके बदले में मुझे शफा देगा। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ मुस्लिम डॉक्टर इन आवर सोसाइटी, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब जब डॉक्टर बन के जाएँ तो इसको जस्ट एक और प्रोफेशन ना समझें। जिस तरीके से एक मोटर मैकेनिक है उसी तरीके से मैं भी एक तरह का प्रोफेशनल हूँ, हम ऐसा ना समझें। क्योंकि जब मोटर मैकेनिक एक मोटरसाइकिल को रिपेयर नहीं कर पाता तो उसके नतीजे में मोटरसाइकिल के जज्बात नहीं ख़राब होते, मोटरसाइकिल की कोई बीवी नहीं है जो बेवा हो जाती है, मोटरसाइकिल के छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जो यतीम हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो हमारे कंज्यूमर ऑफ आवर एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं जिनके जो इंसान हैं, जिनके जज्बात हैं, जिनके ख्यालात हैं, जिनके रिलेशनशिप हैं। और अगर हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो कि बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी है, तो इसीलिए कुरान पाक की एक आयत है कि जिसने एक शख्स को शिफा दी उसने जैसे पूरी इंसानियत को शिफा दी, और जिसने एक शख्स को हलाक किया उसने जैसे पूरी इंसानियत को, यानी मफहूम है उस आयत का। तो इसलिए मेरे और आपके ऊपर सेलेक्टेड आउट ऑफ सेलेक्टेड होने की वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम प्रोफेशन में आएँ तो अपने पैराडाइम को सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ से शिफ्ट करके एक इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव रोल लाने के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हम सिर्फ, जब हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे और बाकी सब पर फोकस करेंगे तो वो सारी बेदर्दी, वो सारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो अवाम को डॉक्टरों के साथ है वो दूर होगी। जब आप अपने ज़िंदगी को इज्तमाई समझेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपने मरीज़ों को के साथ बदतमीज़ी से बोलें, ये कैसे हो सकता है कि उनके साथ सख्ती से बोलें, ये कैसे हो सकता है उनको ओवरचार्ज करें, ये कैसे हो सकता है कि दो नंबर दवाइयाँ और दवाइयों की फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक अंडर हैंड किसी किस्म का बिज़नेस करें। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो दीन दिया है, ये दीन ही हमारी प्रोफेशनलिज़म की सबसे बड़ी ट्रेनिंग की तरबियत गाह है। उसवा नबी, मैं पढ़ाता हूँ लीडरशिप और मैं मास्टर्स क्लासेस को पढ़ाता हूँ मेडिकल एजुकेशन में। जो भी वेस्ट की थ्योरी है, जिस चाहे वो लीडरशिप की थ्योरी है, चाहे वो मोटिवेशन की थ्योरी है, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म की जितनी थ्योरी हैं, वो सारी की सारी हमें उसवा नबी के साथ से मिलती हैं। तो बात तो बहुत लंबी हो सकती है, बस मेरा यही आपसे गुजारिश थी कि आप संजीदगी के साथ अपने डॉक्टर बनने के प्रोफेशन के दौरान इस बात को याद रखिएगा कि जब आप डॉक्टर बन के निकलेंगे तो पूरी सोसाइटी आपकी तरफ देख रही है, पूरी सोसाइटी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, लिहाजा आपने सोसाइटी की इन तवक्कुआत को, उनका दिल नहीं तोड़ना, उनकी तवक्कुआत को पूरा करना है। और वो तवक्कुआत ये हैं कि अपने लिए एक आसूदा अच्छी ज़िंदगी हासिल करने के साथ साथ पूरे माशरे के अंदर एक दिलजोई, एक हमदर्दी और मोहब्बत के साथ अपने प्रोफेशन को एग्जीक्यूट करना। थैंक यू वेरी मच।